Assalamu alaikum. I am from the Lahore Garrison and I am your English teacher. Class 5, subject English Literature. Take out your English Literature textbook and open your chapter Patience. As we learned in the previous chapter, in the previous paragraphs, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र इस्तकामत के साथ गुजारी, उन पर हमेशा जो है वो बहुत सी तकलीफ़ आई मगर उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बड़े बड़े मसाइल को बहुत सब्र के साथ उन्होंने जो है हल किया और हमारे लिए भी ये एग्ज़ाम्पल जो है क्रिएट कर दिए गए हैं कि हमें भी अपने इसी तरह ज़िंदगी में सब्र इस्तकामत के साथ मामलात को हल करना चाहिए। Now take out page number 3. Page number 3 and look at the paragraph number 3. He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. Prayed का मतलब होता है दुआ करना, guide का मतलब होता है रहनुमाई करना, towards का मतलब होता है की तरफ, राइट पाथ सीधे रास्ते एंड फॉरगिव माफ़ करना। इस लाइन की ट्रांसलेशन ये होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला से लोगों को सीधे रास्ते की तरफ गामजन करने और उन्हें माफ़ कर देने के लिए दुआ फरमाई। वंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू ट्रैवल टू द सिटी ऑफ ताइफ टू स्प्रेड द डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम। इसमें डिसाइडेड का मतलब होता है फ़ैसला करना, ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। इस लाइन की ट्रांसलेशन ये होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ताइफ जाने का फ़ैसला किया ताकि वहाँ पर लोगों को जो है इस्लाम का जो वो पैगाम है वो फैला सकें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अकम्पेन्ड बाय हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। अकम्पेन्ड का मतलब होता है साथ जाना या साथ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साथ था वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया। रसूलुल्लाह स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज। स्टेड का मतलब होता है क़याम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वक्त के दौरान, ही इनवाइटेड ट्राइबल चीफ टू एम्ब्रेस इस्लाम बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम। बेटा स्टूडेंट्स, इनवाइट का मतलब होता है दावत देना। ट्राइबल चीफ्स वहाँ के जो कबाइल के सरदार थे उनको, एम्ब्रेस इस्लाम कबूल करना। रिजेक्टेड का होता है मुस्तरद कर देना और मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे कि ही इनवाइटेड ट्राइबल चीफ्स टू एम्ब्रेस इस्लाम बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के सरदारों को, वहाँ के कबाइली सरदारों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी मगर उन्होंने इस मैसेज को, इस पैगाम को मुस्तरद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। वन डे अ मॉब पेल्टेड हिम विद पेबल्स। एक दिन लोगों के हजूम ने उन पर पत्थर बरसाए, पेबल्स कहते हैं छोटी छोटी कंकरियों को, एंड इंजरिंग हिम, और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। डिस्पाइट हिज इंजरीज ही प्रेड फॉर देम। उन्होंने अपने ज़ख्मों के बावजूद उनके लिए दुआ फरमाई। देन एन एंजल अपेयर्ड, अपेयर्ड कहते हैं ज़ाहिर होना। देन एन एंजल अपेयर्ड बिफोर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी एक फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ एंड सॉट हिज परमिशन टू डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ताइफ। डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह कर देना, परमिशन कहते हैं इजाज़त तलब करने को। तभी एक फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताइफ शहर को तबाह कर देने की परमिशन यानी कि इजाज़त मांगी। तो आज हमने ये पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ा है, इसके अंदर ये वाक़या बयान किया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर ताइफ जाकर इस्लाम की रोशनी फैलाने का जिक्र किया, मतलब फ़ैसला किया था, तो उनके साथ क्या क्या जो है वो वाक़यात पेश आए थे। फ़र्स्ट वाक़या तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ के लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया, उनको पत्थर बरसाए, यहाँ तक के उनके जो जूते मुबारक थे वो खून में भर गए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सब्र और तहम्मुल से काम लिया और हमेशा जो है उनके लिए दुआ फरमाई, कभी भी उनके लिए बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। अब
नेक्स्ट पेज है आंसर दीज क्वेश्चंस एज वी लर्न पैराग्राफ नंबर 3, उसके अंदर से ही क्वेश्चंस जो हैं लिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू ट्रैवल. वो कौन सा शहर था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने का फ़ैसला किया था. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू ट्रैवल टू द सिटी ऑफ ताइफ टू स्प्रेड द डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम. इसकी ट्रांसलेशन ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शहर ताइफ जाने का या शहर ताइफ का सफ़र करने का इरादा किया ताकि वहाँ पर मैसेज जो है इस्लाम का फैला सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रसूलुल्लाह इनवाइटेड टू ट्राइबल चीफ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के कबाइली सरदारों को मधु यानी इस्लाम की दावत के लिए क्यों मधु किया था. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड ट्राइबल चीफ टू एम्ब्रेस इस्लाम बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम. वहाँ के जो कबाइली सरदार थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जो है वो रिजेक्ट कर दिया, मीन्स के मुस्तरद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया. इस पैराग्राफ्स को पढ़ते हुए आपने यहाँ के आंसर्स जो हैं वो राइट डाउन करने हैं. आई होप आप सबको जो है वो मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह. स्टूडेंट्स, अब हमने पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो अच्छे से लर्न कर लिया है और ये दोनों क्वेश्चंस भी हमने पढ़ लिए हैं. आप सब ने समर जो आपको हॉलीडे पैक मिला है इसके ऊपर राइट डाउन करने के बाद अच्छे से लर्न करना है और इनकी जो प्रैक्टिस है वो रफ़ नोटबुक पर करनी है. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.